बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे भेदभाव और पक्षपात को लेकर जहां कई सेलेब्स ने अपनी चुप्पी बनाए रखी है, वहीं कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी है जिन्होंने इस बारे में खुलकर बात रखने से कोई भी परहेज नहीं किया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड के काले सच को लोगों के बीच उजागर करने में जरा भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड की किन किन अभिनेत्रियों के इस लिस्ट में नाम शामिल है। नंबर 1, कंगना रनौत। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कंगना रनौत का आता है। बता दें कि कंगना रनौत ने करीना कपूर खान से एक पुरानी बातचीत के दौरान कहा था कि शारीरिक रूप से एक्टर के तौर में बहुत डिमांडिंग है और मैं उन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि ये इमोशनल और मेंटल रूप से है, यह आपको पूरी तरह से मोड़ सकता है। हम दिनों और महीनों के लिए खुद को छोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका आप मजाक उड़ाते हैं। आप बहुत सारी काल्पनिक और वास्तविक चीजों का मेल है। आप नहीं जानते हो कि आप कौन है। नंबर 2, रिचा चड्ढा। एक इंस्टाग्राम स्टोरी में रिचा चड्ढा ने लिखा था, बॉलीवुड बांद्रा और गोरेगांव के बीच एक काल्पनिक एड्रेस है जहां जब लोग चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके स्वास्थ्य आपके करियर के लिए हानिकारक हो, तो वे आपको बताएंगे कि यह आपके लिए कितना अच्छा है और आपको विश्वास है कि आप उन पर विश्वास करेंगे। कुछ प्रेस की झांकियां इस बारे में लंबी चौड़ी बातें लिखती हैं कि कैसे भाई भतीजावाद इंडस्ट्री को बर्बाद कर देता है। नंबर 3, तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने एक ओपन लेटर में कहा था कि मुझे अपनी फीस घटाने के लिए कहा गया है, मुझे फिल्मों से बाहर कर दिया गया है क्योंकि निर्माता के फाइनेंशियल इश्यूज थे। पिंक फिल्म करने से पहले ये सब कुछ था, लेकिन मानो या ना मानो उसके बाद भी कलंक है जिससे मुझे निपटना पड़ा है। अभिनेताओं ने मेरे साथ बॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं ए लिस्ट एक्ट्रेस नहीं हूँ, प्रोड्यूसर्स ने मुझे फाइनल कर दिया है, मेरी डेट्स को लॉक कर दिया है और फिर आखिरी मिनट में बेतरतीब ढंग से पीछे हट गए क्योंकि उन्हें बड़ा नाम मिला। समान वेतन की उम्मीद करना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि मूल रकम के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।